नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जाएंगे गिलकी या लोफा की सब्जी। ये तोरई का ही एक रूप है, तो चलिए फ्रेंड्स आज हम बनाते हैं इसकी सब्जी। ये देखने में इस तरह से दिखाई देती है। यहाँ हमने आधी किलो गिलकी ली है और इसको हम कट कर रहे हैं। पहले ऊपर से हम कट कर लेंगे, दोनों साइड से निकाल देंगे और इसके हम छिलके उतारेंगे। पीलर की सहायता से हम इसे छील रहे हैं। इसके छिलके थोड़े मोटे होते हैं, इस तरह से हम अपनी सारी गिलके छील लेंगे। इसे कई सारे नामों से जाना जाता है। यह हमने धो लिया है और धोने के बाद इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं। इस तरह से हम इसके छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े काट लेंगे। इसको हमने धो लिया है, इसलिए बाद में धोने की आवश्यकता नहीं है। और हम अपनी सारी कट कर ली हैं। और इसको छोकने के लिए जो हम मसाले लेंगे वो है लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ले रहे हैं हम धनिया पाउडर, और आधी चम्मच हल्दी ले रहे हैं, आधी चम्मच लेंगे हम जीरा, और लेंगे एक नींबू, और तड़का लगाने के लिए लेंगे हम घी, जो हम 2 टेबल स्पून लेंगे। और यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दिया अपनी गैस पर गर्म होने के लिए। जब ये कढ़ाई गर्म हो जाएगी तब हम इसमें अपना ऐड करेंगे घी, जो हम 2 टेबल स्पून ले रहे हैं। और जब ये हमारा घी गर्म हो जाएगा, जब डालेंगे हम अपना जीरा। ये हमारा घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा डालकर टेस्ट कर रहे हैं। हमारा ये घी गर्म हो गया है, इसमें डाल रहे हम अपना जीरा। और जीरे के बाद हम डालेंगे अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने लिए हैं। धनिया पाउडर डाला है, हल्दी डाल दी है, लाल मिर्च भी डाल दी, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम अपनी कटी हुई लूफा डाल देंगे। ये तोरई जैसी ही होती है, लेकिन तोरई से ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। और लास्ट में हम डाल रहे हैं नमक। नमक डालकर हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको ढक कर के रख रहे हैं करीब 20 मिनट के लिए। और इसको हम बीच बीच में चलाते जाएंगे। हम इसको बीच बीच में देखते रहे हैं। और हमारी ये तैयार हो गई है और हमने गैस को बंद कर दिया है। ये हमारी सॉफ्ट हो गई। और अब हम इसमें लास्ट में ऐड कर रहे हैं अपना नींबू। ये हमने आधा नींबू डाला है, इसके हमने बीज निकाल लिए थे। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। हमारी ये स्पाइसी और डिलीशियस गिलकी तैयार हो चुकी है बनके। बहुत टेस्टी बनी है, बहुत स्वाद की बनी है। सिंपल चपाती के साथ ये बहुत स्वाद की लगती है। आप तोरे की सब्जी जो बनाते हैं उसको खाकर देखिएगा और एक इसको खाकर के देखिएगा, दोनों सब्जियों में बहुत अंतर होता है। लेकिन होती है तोरई जैसी ही है, इसको धारी वाली तोरई भी कहा जाता है। तो ये हमारी तैयार हो चुकी है और आप इसको एक बार जरूर बना के देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी बनती है। थैंक यू।